बतिया ऊपर रख दो इसी पर आगे उठा के रख दिया तो दिया को जी सर, आपके विद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, मेरा विद्यालय का नाम सनफ्लावर चिल्ड्रेन एकेडमी है। इसमें आज 24 तारीख को वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गणेश पूजा और सरस्वती की अर्चना के बाद इस कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं बखरिया गांव का निवासी हूं। मेरे जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, सनफ्लावर चिल्ड्रेन एकेडमी का डायरेक्टर हूं। तो दुख है, ऐसे ऐसे अभी भी अमानवीय लोग हैं जो एक दूसरे के जान लेने के प्रति थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। मैं उन तमाम वीर जवानों सिपाहियों का जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और
आतंकवादियों द्वारा उनका हत्या किया गया, तो मैं उन तमाम सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए सभी लोगों से चाहेंगे कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति का याचना करेंगे। हे ईश्वर, हम क्योंकि मेरा भरोसा था कि मैं शिक्षक बनूं, मेरा भरोसा और जो हमारे जितने गार्जियन लोग जुटे हैं आज इस कार्यक्रम कि सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हमारा देश गुलाम था तो मियां इकबाल ने लिखा कि सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब साहब ये देश किस लोग सर के हाथों में जाता है, वहां से लिखा गया कि मुफलिसी नाम किसने लिख दिया, मेरे चेहरे पर हिंदुस्तान किसने लिख दिया। तब साहब ये देश किस ओर से के हाथों में जाता है, वहां से लिखा गया कि काजी हुए प्लेट में हिस्ट्री क्लास में आया है रामराज विधायक के वास में। तब साहब ये देश किस ओर से के हाथों में जाता है, वहां से लिखा गया केसरिया हिंदू हुआ, केसरिया हिंदू हुआ, खड़ा हुआ मुसलमान, अब तो तिरंगे के बीच लिख दिया है जात धर्मों का नाम। तब साहब ये देश la 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 la
किया जाए, क्योंकि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुराने खिड़कियों को खोलती है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम नाम रोशन किया है, मीरा बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर के रानी लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा गांधी बन करके समूचे विश्व के आगे तनी है। ईश्वर संघर्ष में सारे जहां को जितलाई, सानिया मिर्जा खेल के मैदान में भी खिलाई। लता मंगेशकर जिसके गले में सुर के समुद्र बोलते हैं, और मैं कहता हूँ वो बहुत मूर्ख होते हैं जो इन बेटियों के बेटों से कम तोलते हैं। और उसके बाद मैं आपके दिल से जुड़ना चाहता हूँ एक और सर, क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पे एनुअल फंक्शन का जो आगाज किया गया है, मुझे लगता है कि आप जो ये विद्यालय है, ये अलग तरीके का विद्यालय है। यहाँ ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी है बेटियां। सुनिएगा गार्जियन, जब जिम्मेवारियों का बोझ दिया समाज ने, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी है बेटियां। दो घर में वृक्ष के लक्ष्य को भेद डाला, सुना है विमान उड़ाने लगी है बेटियां। और पिता के बाद घरों में कोई खाना खाए, ऐसा संस्कार गाने लगी है बेटियां। और जब ये पंक्ति आपके दिल को छू जाएगा, पिता के बाद घर में कोई खाना खाए, ऐसा संस्कार गाने लगी है बेटियां। और जब बेटा नालायक हो जाए, तो पिता की अर्थियों को कंधा देकर अब शमशान को जाने लगी है बेटियां। ये होती है बेटियां, बेटियां हिंदुस्तान में। जिस तरह से बच्चों ने एक्टिंग किया है।